मौजूद हैं सबक गवर्नर पंजाब और सीनियर नायब सदर तहरीक साफ जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सबसे पहले तो यह फरमाइएगा कि इमरान खान साहब क्या इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे क्योंकि आपकी जमात तोशाखाना केस में अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज लगाकर अपील वापस कर दी थी छः जनवरी तक का वक्त दिया था कि इस दौरान आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं दोबारा लेकर आ सकते हैं तो कितने उम्मीद हैं आप इस हवाले से कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर भी जाएंगे और इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे देखिए एक बात तो ये है कि वो मेरे मेरे मुंशी को वो जब हमने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जो उन्होंने कन्विक्शन को सस्पेंड करने की दरख्वास्त हमारी जो है निपटा दी कि ये काबिल पदी राय नहीं है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उसे मुंशी को बमे रिकॉर्ड के और बमे वो जो पटिशन के अगवा कर लिया उसका फ़ोन भी कर लिया अगवा और चीफ़ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई और बाद में दो बजे कोर्ट टाइम के बाद उसको वापस किया गया अब वो हम सो so, मंगल कल इंशाल्लाह फिर दायर करके हम सेम डे की कोशिश करेंगे कि इसको पजीराई की जाए और मुझे यकीन है कि इमरान जो आपने देखा कि साइफर के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जो इजाफी नोट जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने लिखा उसमें उन्होंने बड़ा वाजे कर दिया कि पाकिस्तान उन्नीस से जमहूत के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को हम फांसी दे देते हैं और किसी को नाअहल कर देते हैं किसी को पाबा सलासल कर देते हैं और ये इलेक्शन लड़ने के लिए किसी को भी अंदर रखना जो है ये, ही काफी ये, ये भी तो मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ ना मिल सके तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब फिर इलेक्शन से बाहर देखे इमरान खान अंदर हो या बाहर हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि हमारा वर्कर जो है और ज्यादा इश्तेहाल में होगा और आप देखेंगे जितना गम गुस्सा और इश्तियाल होता है उतना ही जज्बा उसका जो है बढ़ जाता है आप देखेंगे कि इन 8 आठ फरवरी को इस तरह से निकलेगा पाकिस्तान की आवाम इस तरह से निकलेगा कि इनके छक्के छुड़ा देंगे और इनकी जमानतें जब्त होंगी ये मेरा लिख लें आप खातर जमा रखें ये लोग जितना ये जबर और तसलत करेंगे उतना ही पीपल्स पार्टी को पी, पी को जिला मिलेगी पी को अच्छा ये बताइएगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो फैसला मौजूद है और आप लोग जो हैं वो जा रहे हैं हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करने के लिए लेकिन मुसदा कॉपी अब तक आप लोगों के पास मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की तो कल आप फाइल कर सकेंगे अपनी अपील हाई कोर्ट में देखें हमारी कोशिश तो यही होगी डिस्पेंस विद की एक प्रोविजन होती है एक सौ इक्यावन दीवानी में उसको साथ लगाकर क्योंकि सारे अखबारों में हर चीज़ में आ चुका तो इसलिए कि इलेक्शन की शफाफियत ही इसी पर मुहित है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा इलेक्शन की शफाफियत इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा यकीन करें ना बैनवामी पर तौर पर तस्लीम किया जाएगा ना पाकिस्तान में कोई तस्लीम करेगा अगर हमने बेयकीनी की कैफियत ही पाकिस्तान में जारी हो सारी रखनी है तो फिर ये ड्रामा रचाने की जरूरत है ही नहीं इलेक्शन की एक आ, सबसे बड़ी जमात के अगर आप कायद को बाहर रखते हैं या उसके बल्ले के निशान को नहीं आने देते और उसकी आप आ, स्पेशल को भी आप जो है कर देते हैं और फिर आपको ये सदर भी तमाम सामने फॉलो करना है अब बारह जनवरी तक का वक्त है जब तक ए, उस वक्त तक आपको तमाम कानूनी और आईनी मसाइल जो है निमटना है इनको अदालतों से लेके जाना है अपने हक में फैसले अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर क्या करेंगे प्लान भी क्या है आपका प्लान भी है हमारे पास लेकिन मैं जाहिर है कि इस वक्त नहीं चाहता कि उसको बयान कर दूँ क्योंकि हमारे माशा बही खाम बहुत ज़्यादा हैं हमारे जो दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा हैं सो मैं नहीं चाहता कि उसको प्री डिस्क्लोज डिस्कलोज करूँ लेकिन यकीन कीजिएगा हमारे पास प्लान बी भी है प्लान सी भी है इसलिए अच्छा, हम लेकिन, लेकिन, लेकिन हमारे पास ये इतना चौबीस सौ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आपकी तरफ से नामजद नामजदगी जमा कराई तो किस निशान के तहत ये इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर पीटीआई का निशान ना हुआ बल्ले का निशान ना हुआ एक चीज़ तो ये देख लीजिएगा तमाम तर जबर और इज्तलाल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में हमारे उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं इसके बावजूद कि हमारे उम्मीदवारों को उठा लिया जाता था हमारे कागजात जो है वो उनसे छीन लिए जाते थे वकला तक को उन्होंने पाबा सलासल करके 216 सो के पर्चे दर्ज करके अंदर कर दिया कई जगह पर मैं हमने खुद मैंने खुद, ने, ने खुद जो है वो तो ठीक है सरदार साहब मगर ये तो बताएं ना हाई कोर्ट से करो बल्ले का निशान ना हुआ तो ये चौबीस से ज्यादा उम्मीदवार लड़ेंगे किस निशान के तहत ये एक ही निशान होगा आप देख लें हमारी स्ट्रैटेजी सेकेंड टीयर की स्ट्रैटेजी है वो फिर भी हम इस वो कर लेंगे एक तो किसी निशान कि एक इतिहादी पार्टी से किसी इतिहादी पार्टी से जो है वो टिकट हासिल करेंगे इनकी उम्मीदवारों के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी जमातें आई हैं जो ज़म होने को भी तैयार हैं और वो अपना निशान देने को भी तैयार हैं और ग़ैर मशरूत तौर पर हमें जो है क्यादत पूरी जो है उसकी अख्तियार देने को भी तैयार हैं आप देख लीजिएगा इनशाल्ल इनशा अवल तो ये नौबत आएगी नहीं लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत हुई तो भी हम मखसूस नशस्तें भी लेंगे इनशा और उम्मीदवार एक ही नशान पर लड़ेंगे और ज़्यादा ज्यादा इमकान यही है कि बल्ले का निशान होगा अभी हमारी अदालतें इतनी भी आ, कमजोर नहीं हुई हैं कि वो आइन का तहफ ना कर सके तो ऐसी सूरत सूरत में ऐसी सूरत में ऐसी पूरी पार्टी इतना... जो लोग आपके जीत कर आएंगे उनका तमाम इख्तियार आप किसी और पार्टी के सरबरा को देने के लिए तैयार हैं? जी नहीं सरबराही भी हमारे हाथ में ही होगी जो भी होगा आप देख लेंगे इंशाला हमने वो मेकनिज़म भी जो है अल्टरनेट के तौर पर कर रखा है लेकिन ये खातर आप यकीन करें कि बल्ले का निशान ही होगा हमारे पास इन और बल्ले के निशान पर ही लड़ेंगे देखें गैज़ व गजब से आवाम के ये डरें जो भी कर रहे हैं खुदा उस नहज पर कौम को मत लाएँ कि वो जो है इस तरह से जो है हमारे मुल्क की जो है वो बदकिस्त मगर सदर साहब पी टी आई के लिए पहले से इतनी मुश्किल हैं कि आपकी ख़ुद एतमादी कहीं मज़द मुश्किल मुझे में मुबला ना कर दें आप लोगों को अरे बाबा नहीं बिल्कुल भी नहीं देखें जितना ये रिप्रेशन करेंगे उतना ही आ, इनके खिलाफ मुनाफरत होगी जो माशाला पी डी एम की जमातें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतना ही ग्राफ जो है बढ़ता चला जाएगा हमें कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं है आप यकीन करें मैंने तो क्या कहना है अवाम का ज़रा आप गली कुचे में जाकर तो देख लें ये बताइए ये करने लायक ये ये फरमाएँ एन ए एक सौ बाईस से ख्वाजा साद रफी साहब का मुकाबला आप करेंगे या इमरान खान साहब देखें इमरान खान हमारी पहली चॉइस है बिल्कुल पहली चॉइस इमरान खान है इमरान खान ही का मैंने ये कैंप ऑफिस भी खोल दिया है बल्कि मेन ऑफिस खोल दिया है अपने घर को बना दिया है और अगर किसी वजह से इमरान खान साहब को वो नहीं लड़ने देते तो फिर इनशाला मैं उम्मीदवार हूँ उनका कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अच्छा और एक ऐने एक सौ सत्ताईस से भी आपने नॉमिनेशन जमा करी हैं और वहाँ से आपके मदमकबिल बिलावल साहब होंगे आपकी अभी आ, रिसेंट आ, जिस जमात को आपने छोड़ा है आ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो उनसे मुकाबला होगा आपका देखें अब ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि पंजाब में और लाहौर में आने जो है उनका माशाल्लाह हक बनता है कोई भी पाकिस्तान का जो बासी है शहरी है वो कहीं से भी लड़ सकता है आ, पहले उन्होंने एन ए एक सौ अट्ठाईस यानी मॉडल टाउन का जो है ऐलान किया था और फिर अगर एन ए एक सौ पर कर किया है तो बिस्मिल्लाह फाबिया फिर सियासत में तो ये चीज़ें होती रहती हैं और आ, उन्होंने अगर उनके वालद साहब ने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि कोसा हमारी पार्टी में नहीं है तो फिर मैं फ्री था जाहिर है कि मैंने जहाँ से भी आ, पार्टी ने मुझे हुक्म दिया मैंने वहाँ से जो है अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं अब बिलावल तो साहब को के आप आप हराने के लिए आप देखें आपको भी पता है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है और यहाँ से 1500 2000 से वोट किसी उम्मीदवार ने ज़्यादा नहीं लिया मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो कुछ नहीं कहता लेकिन सभी आपके गैलप पोल्स जो है सर्वेज जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में और खसूसा लाहौर में तो बिल्कुल वोट नहीं है ठीक बहुत बहुत